क्या नाम है आप लोगों का? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, आपका नाम? मोहम्मद फुरकान। अच्छा, तो क्या लगा आपको, कैसा पेपर था इस बार का? पेपर ठीक था, बायोलॉजी इजी था, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा टफ था। केमिस्ट्री में कौन सा पोर्शन ज़्यादा आया था? केमिस्ट्री से आपका जैसे कि रिएक्शन पोर्शन ज़्यादा थे। रिएक्शन पोर्शन आपको ज़्यादा लगा? फिजिक्स से न्यूमेरिकल ज़्यादा थे। अच्छा, क्या लगता है आपको फिजिक्स में कितने पोर्शन ईजी थे, कितने पोर्शन टफ थे? बाकी कुछ अच्छे थे, उतना नहीं। और सेक्शन ए और सेक्शन बी का जो नया पैटर्न इस बार लाया गया था, उससे क्या लगता है आपको, बच्चों को दिक्कत हुई या बच्चों को थोड़ा सा ऑप्शन मिला कि वो क्वेश्चन चूज कर पाए? उसमें ये है कि जो बच्चे की प्रिपरेशन रही होगी उनको फायदा होगा, क्योंकि 15 क्वेश्चन दिए थे तो उनमें से 10 अटेम्प्ट करने थे। जी जी। तो इस बार कौन सा अटेम्प्ट था आप लोगों का? हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपका भी फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग, कट ऑफ कितना जाएगा इस बार, मतलब लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगा कि कम जाएगा? लास्ट ईयर से ज़्यादा जाएगी। लास्ट ईयर से ज़्यादा, क्योंकि जो ये दो सेक्शन में कर दिया इसके वजह से लास्ट ईयर। तो आप लोगों का खुद का पेपर कैसा हुआ है? पेपर ठीक हुआ है, वही बायो बहुत ईजी थे, बस फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा। कैसे तैयारी करी आपने लॉकडाउन में, थोड़ा सा बताइए। अन अकेडमी से तैयारी करी आपने? आपने कैसे तैयारी करी? आपने भी अन अकेडमी से तैयारी करी, इसके अलावा बाहर आपसे कोई गाइड करने वाला आपको रहा? नहीं, अन अकेडमी से एनसीईआरटी रही। एनसीईआरटी से आपने तैयारी करी, आपने भी एनसीईआरटी से तैयारी करी। तो एनसीईआरटी से बायो का पेपर आया तो आप लोगों को उसमें आसानी रही होगी। जी जी। चलिए, तो आगे का क्या प्लान है आप लोगों का, इसके बाद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? अगर नीट क्वालिफाई हो गया तो एडमिशन जी, और नहीं हुआ तो फिर अटेम्प्ट, एक बार फिर से तैयारी करेंगे। तैयारी, चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। थैंक यू। अर्पित तिवारी। अर्पित जी, कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। आपका थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? हम भदोही से बिलोंग करते हैं। भदोही से। कैसे तैयारी की आपने, मतलब लॉकडाउन में कोचिंग? आप कोचिंग हमने ऑनलाइन लिंक ज्वाइन किया था। ऑनलाइन कोचिंग की थी, तो कैसा रहा आपका इस बार का पेपर? पेपर बढ़िया था, पिछले बार की तरह ही था, ईजी था। इस बार भी कट ऑफ हाई ही जाएगा, 6 हाई जाने की एक्सपेक्टेशन है आपको। कौन सा पोर्शन आपका सबसे अच्छा हुआ? पोर्शन हमारा लगभग सभी ठीक हुआ है। हाँ, बायो केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे हुआ है, फिजिक्स में थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन छूट गए हैं। हाँ, बाकी बच्चों से हमने बात करी तो उनका भी कहना है कि फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था। नहीं, टफ तो नहीं कह सकते। क्या कहना है? नहीं, टफ तो नहीं कह सकते, मिला जुला ही क्वेश्चन था, टफ नहीं था। सेक्शन बी में जैसे अगर टफ लग रहा तो उसमें 15 था तो उसमें 10 ही करना था, तो टफ नहीं था, मिला जुला का ठीक था। मिला जुला का ठीक था। कितने नंबर आए थे फिजिक्स में? न्यूमेरिकल फिजिक्स समझ लीजिए कि आप 5-10 क्वेश्चन जो है लॉजिकल थे, बाकी सब न्यूमेरिकल हैं। बाकी सब न्यूमेरिकल थे। अच्छा, अब बायो की बात करें तो एनसीईआरटी से पूरा पेपर आया? बायो सब एनसीईआरटी था, जो सेक्शन बी में था वो अगर जो उसमें जो है 15 क्वेश्चन में एनसीईआरटी से एक दो क्वेश्चन बाहर तक किए थे, नहीं तो सब एनसीईआरटी। और केमिस्ट्री में अगर बात करें तो कौन सा वेटेज, किस पर ऑर्गेनिक का या अनऑर्गेनिक का, किसका वेटेज आपको ज़्यादा? लगभग बराबर था, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक कुछ ज़्यादा दिए थे, सेक्शन बी में भी। हाँ, सेक्शन बी में भी थोड़ा ज़्यादा दिया गया था। चलिए अर्पित जी, ऑल द बेस्ट फॉर यू सर, थैंक यू वेरी मच। प्रीतम सिंह, आपका नाम? विवेक तिवारी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप लोग? बनारस से हैं। आप बनारस से हैं? आप मैं बनारस से, दुर्गाकुंड से। दुर्गाकुंड से। तो कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? पहला अटेम्प्ट। दोनों लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा, तो क्या लगता है कैसा एग्जाम आया था? एग्जाम तो ठीक ही था, जिसमें बायो सेक्शन जो था मतलब वो तो सिंपल लगा जी, लेकिन अब फिजिक्स का तो थोड़ा सा मतलब हल्का सा लेंदी पेपर था। फिजिक्स का पेपर लेंदी लगा, क्या लगता है कितने न्यूमेरिकल आए थे और कितने सिंपल क्वेश्चन थे? देखिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने काउंट किया था तो करीब 7-8 क्वेश्चन थे जो कि थ्योरेटिकल टाइप थे मतलब। अच्छा, अच्छा जी। और उसको छोड़ के बाकी न्यूमेरिकल थे। तो न्यूमेरिकल मतलब आपको क्या लगा कि कैसे न्यूमेरिकल थे, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे या फिर ट्विस्टेड न्यूमेरिकल थे इस बार? मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही था। अच्छा, कुछ कुछ मतलब जैसे कुछ क्वेश्चन ट्विस्टेड था। तो लास्ट ईयर के मुकाबले आपको फिजिक्स का पेपर थोड़ा टफ लगा? हाँ। अच्छा, टफ आपका लगा। क्या रिएक्शन है? पेपर मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना इजी था। और फिजिक्स में कहें तो फिजिक्स भी को टफ नहीं कहेंगे क्योंकि एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया था। अच्छा। और जहाँ तक बात रही ट्विस्ट का, तो वो बस क्या किया था, जगह जगह का चैप्टर का कंसेप्ट बस घुसा दिया था। अच्छा अच्छा। ऑसिलेशन का भी घुसा दिया। आप लोगों का सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा रहा? वो तो ऑब्वियस है, बायो रहा। आपका भी बायो रहा। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, इस बार कैसा कट ऑफ जाएगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में? कट ऑफ तो उतना ही जाएगा क्योंकि टाइम मिला है, बच्चे पढ़े हुए हैं। टाइम मिला है, बच्चे पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आपका ड्रीम कॉलेज क्या है? आप लोग वाराणसी, तो आप लोग आईएमएस बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं? हाँ। या फिर एम्स आना चाहते हैं? आईएमएस बीएचयू प्रेफर करेंगे आप लोग। चलिए, ऑल द बेस्ट। मैं आपका रिजल्ट दिव्यांशी नाम है आपका। अच्छा, तो दिव्यांशी आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? पहला अटेम्प्ट था आपका। ओके, तो क्या लगता है आपको कैसा हुआ आपका एग्जाम? फिजिक्स थोड़ा टफ आया था, बाकी फिजिक्स पिछले साल के मुकाबले आपको थोड़ा टफ लगा एग्जाम? अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगा? फिजिक्स टफ लगा। एनसीईआरटी को टच करते हुए था फिजिक्स का पेपर या फिर आपको लगा बाहर से था? टच करते हुए था, न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा था। न्यूमेरिकल ज़्यादा लगा आपको? कैसे न्यूमेरिकल थे, मतलब फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल थे या फिर कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल? फॉर्मूला बेस्ड सारे थे।
बायो का पेपर आपको क्या लगता है कितना एनसीईआरटी से आया, कितना बाहर से आया? बायो पूरा एनसीईआरटी से था और इजी बहुत था इस बार। बायो आपको काफी इजी लगा? अच्छा, और केमिस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है आपका? केमिस्ट्री तो मतलब 50-50 था। 50-50 था, तो क्या लगता है आपको मतलब कट ऑफ वगैरह लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसी क्या जानी चाहिए? इस बार भी उतना ही कट ऑफ जाएगा पेपर। ओके, तो किस ड्रीम कॉलेज का, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, कहाँ पढ़ना चाहती हैं आप? मैं तो गोरखपुर पढ़ना चाहती हूँ। गोरखपुर पढ़ना चाहती हैं, गोरखपुर से बिलोंग करती हैं? अच्छा, चलिए थैंक यू आपका, ऑल द बेस्ट फॉर यू। सबसे पहले ये बताइए कि मतलब जो गवर्नमेंट ने ये जो प्रोटोकॉल बोला था फॉलो करने के लिए, वो सब अंदर फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। और ये बताइए कि पेपर एनसीईआरटी से था या एनसीईआरटी के बाहर को भी कुछ टच कर रहा था? एनसीईआरटी से बाहर। हाँ, और मतलब क्या आपको लगता है कि पेपर का लेवल क्या डिफिकल्ट इजी क्या था? एवरेज पेपर था। तो कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा जाएगा या कम जाने के चांसेस हैं? मतलब पेपर से आइडिया। तो आपका कौन सा अटैम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट था। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका कौन सा ड्रॉप था? पहली बार दे रहे थे? पहली बार दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि जो पेपर था एनसीईआरटी से था कि नहीं था? ये पेपर एनसीईआरटी पूरी तरीके से सोशल क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। तो आपको पिछले बार के कट ऑफ का कुछ आइडिया है कि पिछले बार से ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा? फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे लगता है कि पिछले बार से इस बार और ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ जाएगा। तो आपका पेपर कैसा हुआ, मतलब क्या बता सकते हैं? अच्छा ही गया, अच्छा नंबर आएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और क्या आपको लगता है पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्ट मीडियम या इजी? मीडियम में था। मीडियम में था पेपर। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंदर मतलब जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने बोले थे वो सब फॉलो हुए थे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बताइए एनसीईआरटी से था कि नहीं था पेपर? ही बात से पूरा था। पूरा था। और क्या लगता है कट ऑफ ऊपर जाएगा या कट ऑफ फिर अगले साल फिर से जाएगा? और आपका क्या, कौन सा ड्रॉप था? तीसरा ड्रॉप था। चलिए ठीक है, क्या लगता है आपका एग्जाम में क्या कितना परफॉर्म कर रहा है? कट ऑफ इस बार भी इतना ज़्यादा जाएगा तो क्या बता सकते हैं? सबसे पहले ये बताइए कि मतलब जो गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल बोला था फॉलो करने के लिए, वो सब अंदर फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था? हो रहा था। और ये बताइए कि पेपर एनसीईआरटी से था या एनसीईआरटी के बाहर को भी कुछ टच कर रहा था? एनसीईआरटी से था। हाँ, और मतलब क्या आपको लगता है कि पेपर का लेवल क्या डिफिकल्ट इजी क्या था? एवरेज पेपर था। तो कट ऑफ पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा जाएगा या कम जाने के चांसेस हैं? मतलब पेपर से आइडिया। तो आपका कौन सा अटैम्प्ट था? फर्स्ट अटैम्प्ट। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपका कौन सा ड्रॉप था? पहली बार दे रहे थे? पहली बार दे रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि जो पेपर था एनसीईआरटी से था कि नहीं था? ये पेपर एनसीईआरटी पूरी तरीके से सोशल क्वेश्चन एनसीईआरटी से था। तो आपको पिछले बार के कट ऑफ का कुछ आइडिया है कि पिछले बार से ज़्यादा जाएगा या कम जाएगा? फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे लगता है कि पिछले बार से इस बार और ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ जाएगा। तो आपका पेपर कैसा हुआ, मतलब क्या बता सकते हैं? पेपर अच्छा ही गया, अच्छा नंबर आएगा। ओके ओके, ठीक है ठीक है। और क्या आपको लगता है पेपर का लेवल क्या था, डिफिकल्ट मीडियम या इजी? मीडियम में था। मीडियम में था पेपर। ठीक है ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पहली चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंदर मतलब जो प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने बोले थे वो सब फॉलो हुए थे? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बताइए एनसीईआरटी से था कि नहीं था पेपर? ही बात से पूरा था। पूरा था। और क्या लगता है कट ऑफ ऊपर जाएगा या कट ऑफ बहुत ज़्यादा फिर अगले साल फिर से जाएगा? और आपका क्या, कौन सा ड्रॉप था? तीसरा ड्रॉप था। चलिए ठीक है, क्या लगता है आपका एग्जाम में क्या कितना परफॉर्म कर रहा है? कट ऑफ इस बार भी इतना ज़्यादा जाएगा तो क्या बता सकते हैं?